हेलो इनमे फैंस, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शूटिंग देखते हैं, सजाकू डायनेस्टी के एम्परर सजाकू ने अपनी मदद के लिए किसी को बुलाया है। उसने सील ऑफ गॉड नाम की किस चीज को यूज किया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक बिग बिल्डर सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी अपना कल्टिवेशन कर रहा है। सिर्फ उस टाइम पर जब सजाकू डायनेस्टी के एम्परर ने सील ऑफ गॉड को यूज किया है, उसी टाइम इस कल्टिवेटर को कुछ एहसास होता है। ये अपनी आई खोलता है और फिर कहने लगता है, आखिरकार उसने मुझे बुला लिया, अब मुझे वहाँ पर जाना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम फैंटेसी वर्ल्ड का सीन देखते हैं। बिग वर्ल्ड के कल्टिवेटर की तरह ही इस लड़की को भी सेम ऐसा एहसास होता है, जिसे फील करके ये कहने लगती है, सजाकू डायनेस्टी हमारी रूट की तरह है, अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो वो हमारी रूट के ऊपर अटैक करने जैसा होगा, और अगर उस डायनेस्टी को कुछ हो जाता है तो हम सबके सब पूरी तरह से रूटलेस हो जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ पर जाके देखना होगा वहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ से सीन तीसरी जगह पर शिफ्ट होता है। ये एक स्पेस का सीन है जहाँ पर एक आदमी फ्लोट कर रहा है। इसी स्पेस में भी ये आदमी बिल्कुल ठीक है, तभी इसे सील ऑफ गॉड की वो आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये अपनी आँख खोलता है और फिर कहने लगता है, सजाकू डायनेस्टी के अंदर ये सब क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सजाकू डायनेस्टी पे कोई खतरा आया है, जिससे निपटने के लिए एम्परर ने सील ऑफ गॉड तक का यूज़ कर दिया है। अब जब उसने यूज कर लिया है तो मुझे जाकर चेक कर लेना चाहिए। इसी तरह से सील ऑफ गॉड की मदद से एम्परर की आवाज एक ही करके काफी सारे गॉड्स के पास जाने लगती है और वो सब की सब सजाकू डायनेस्टी लौटने लगते हैं। इन गॉड्स को आता देख ये एल्डर बहुत ज्यादा खुश जाती है और फिर चिल्ला के वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहने लगती है, एम्परर ने हमारी मदद करने के लिए गॉड्स को भेजा है, अब उन सबके सब बच जाएंगे। गॉड्स को आता देख वो रब कहने लगता है, सजाकू डायनेस्टी का एम्परर बिल्कुल पागल हो गया है, उसके पास में आखिरी बचे हुए सोर्सेस भी उसने खर्च कर दिए हैं और इन गॉड्स को यहाँ पर बुलाया है। उसे लगता है ये गॉड्स हमें रोक सकते हैं। बुल डीमन गॉड हंसते बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सारे गॉड्स भी मारे जाएंगे। सबसे खास बात यह है, इन गॉड्स को मारने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, इन सभी को हराने का मेरे पास में एक सीधा तरीका है। इसके बाद में बुल डीमन गॉड फायर फीमिक्स से कहता है, फायर फीमिक्स अब तुम्हारी बारी है, जो डिसाइड हुआ था उसे यूज करो। फायर फीमिक्स बिल्कुल वैसे करता है, वो जल्दी से अपना कोई अटैक करता है। ये उसका कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, उसके पंखों में से एक बहुत तेज फ्लेम थ्रोवर निकलती है। जैसे ही ये फ्लेम थ्रोवर उन गॉड से टकराती है जो कि अभी भी उस जगह पर आ ही रहे हैं, उन सभी की पावर पूर्ति से खत्म हो जाती है। उन लोग खुद को समझ में नहीं आता ये सब कैसे हुआ। अपनी शक्तियाँ खोने की वजह से वो सारे गॉड्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इस सब की खबर तुरंत सजाकू डायनेस्टी के एम्परर से पहुंचती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला के कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर हमेशा ऐसा कैसे कर लेते हैं, हम जो भी चाल यूज कर रहे हैं ये उसे इतनी सन से काट दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल सुन में नहीं आ रहा है उनके पास में टाउन गॉड मॉन्यूमेंट कैसे आया। एम्परर की बात सुनकर सामने की तरफ जो लोग खड़े होते हैं वो आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, टाउन गॉड मॉन्यूमेंट ये एक बहुत ही स्पेशल मॉन्यूमेंट है जो कि एंशिएंट हेवनली कोर्ट से बिलोंग करता है। इस मॉन्यूमेंट की मदद से गॉड्स की पावर को कम किया जा सकता है। इस मॉन्यूमेंट को यूज करने के बाद में गॉड्स अपनी पावर को पूर्ति से खो देते हैं। मॉन्स्टर भी इस फाइट के अंदर इसी मॉन्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। ये सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इन मॉन्स्टर्स के पास में इस तरह का कीमती मॉन्यूमेंट कैसे आ गया। तभी प्रिंस ताइशांग एम्परर से पूछने लगता है, एम्परर अब आगे क्या करना है, हमारी ये वाली चाल भी पूर्ति से बेकार हो चुकी है, प्लीज कुछ सोचिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इन सभी लोगों को बचा सकते हैं। एम्परर कहता है, अब कोई और तरीका नहीं है, बाहरी डायनेस्टी के लोग हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमें खुद ही खुद की मदद करनी होगी। प्रिंस ताइशांग कहता है, अब क्या कह रहे हैं, ताइफ ग्रेट वर्ल्ड के अंदर हमने जो अपनी सेना भेजी हुई है हमें उसे वापस बुलाना है ताकि हम उसे यहाँ पर मुश्किल फाइट में यूज कर सकें। एम्परर कहता है, हाँ हमें बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, इस टाइम पर बाहर की डायनेस्टी से फाइट करने से अच्छा होगा हम अंदर के मसलों को सुलझाएं। सजाकू डायनेस्टी हमारी नींव की तरह है, अगर ये मॉन्स्टर सजाकू डायनेस्टी पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे हाथ से हमारी नींव भी छिन जाएगी, और अगर उसके बाद में हमने टाइग्रेट वर्ल्ड को हरा भी दिया तो भी हम अपना सब कुछ खो देंगे। इस टाइम पर सजाकू डायनेस्टी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्परर के इतना कहने के साथ ही सजाकू डायनेस्टी के अंदर कुछ पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से सजाकू डायनेस्टी की वो वाली सेना जो कि टाइग्रेट वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए गई थी वो वापस से आने लगती है, और पोर्टल से बाहर निकलते ही वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी पे अटैक करना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर्स भी सेम वैसे ही करते हैं, वो भी उस पूरी सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये फाइट भी ज्यादा लंबी नहीं चलती। सजाकू डायनेस्टी के एम्परर को पता ही नहीं चलता
कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ पूर्ति से प्लान किया हुआ है और वो वही कर रहा है जो कि बुल डिमन गॉड उससे करवाना चाहता है। आर्मी की सजाकू डायनेस्टी में पहुंचते ही बुल डिमन गॉड जोर से हंसने लगता है और फिर कहने लगता है, सजाकू ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने अपनी सेना को वापस से बुला लिया। इस तरह से टाइग्रेट वर्ल्ड के ऊपर जो वो कब्जा करना चाहता था वो सपना भी उसको पूर्ति से बर्बाद हो चुका है। मून टाइगर कहता है, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। वो रैप कहता है, अब टाइम हो चुका है, हम अपना आखिरी मूव चलें। एम्परर सजाकू के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बुल डिमन गॉड बोलता है, हाँ तुम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे यहाँ जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम एम्परर सजाकू को कुछ दे के जाएंगे। यही कहते हुए बुल डिमन गॉड और वहाँ पर जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब एक साथ कोई अटैक करते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, वो सारी सेना जो कि अभी भी सजाकू डायनेस्टी के अंदर पहुंची थी वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है। ये अटैक होने से ठीक पहले एम्परर को इसका अंदेश हो जाता है। वो जल्दी से अपने सारे लोगों से कहता है, हमारी सारी सेना को वापस से बुला लो, ये मॉन्स्टर कोई खतरनाक अटैक करने वाले हैं। लेकिन ये कहने में और सबको समझने में एम्परर थोड़ी देर कर देता है। एम्परर के साथ में जो आदमी होता है वो उसे कहने लगता है, आपने बहुत देर कर दी है, सजाकू डायनेस्टी के अंदर हमने जो हमारी सेना भेजी थी वो पूरी पूरी खत्म हो चुकी है। मॉन्स्टर्स का फाइनल अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उन्होंने एक ही झटके में पूरी सेना खत्म कर दिया। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं सजाकू डायनेस्टी के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और वो सबके सब जंगल में लौट गए हैं। मॉन्स्टर्स की वो पूरी आर्मी एक जगह खड़ी हो चुकी है, सामने की तरफ उनके चारों लीडर आते हैं जिन्हें देखकर वो पूरी आर्मी ग्रीट करने लगती है। बुल डिमन गॉड खुश होते हुए अपनी पूरी आर्मी से कहता है, हम जो चाहते थे वो हमने कर लिया है, हमारा प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। तभी हम देखते हैं सजाकू डायनेस्टी का एम्परर अपनी किसी स्किल की मदद से मॉन्स्टर्स जो ये सब कुछ कर रहे हैं इस सब के ऊपर नजर रखा हुआ होता है। ये सब देखकर वो अपने साथ वाले बंदे से कहता है, ये मॉन्स्टर्स कर कह रहे हैं, मुझे तो कुछ सुनने नहीं आ रहा है, इन्होंने पहले सजाकू डायनेस्टी पर अटैक किया, हमारा सारा डिफेंस और सारा अटैक पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके बाद में डायनेस्टी को बिना डिस्ट्रॉय किए ही ऐसे ही वहां से बाहर निकल गए। इन मॉन्स्टर्स की रियल प्लानिंग क्या है ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, चाहिए क्या लिखता चाहते थे कि हम अपनी सेना को टाइग्रेट वर्ल्ड में से वापस बुला लें। एम्परर के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।